सो दिस वीडियो बेसिकली ऑल अबाउट द चैलेंज आई फेस व्हाइल मेकिंग अ शॉर्ट फिल्म. अगर आप एक शॉर्ट फिल्म बनाना चाहते हैं तो ये वीडियो बस आपके लिए है. नमस्ते गाइस, कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ आप सभी भाई लोग सब मजे में होंगे. तो फिर भाई, एक शॉर्ट फिल्म बनाने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है? रिसेंटली अभी अभी हमने एक शॉर्ट फिल्म शूट की. अगर आपने वो वाला ब्लॉग नहीं देखा होगा तो फिर रिसेंटली मेरे कुछ ब्लॉग अभी अपलोड किया है मैंने, लास्ट टू वीडियो होंगे, तो आप वो जाके ज़रूर देखिएगा. वहाँ पर मैंने बताया, वहाँ पर मेरा एक्सपीरियंस है, मतलब एक्चुअल जो हुआ. अभी मैं आपको बताऊँगा एक शॉर्ट फिल्म बनाने के लिए आपको क्या किन किन चीज़ों की ज़रूरत है. स्टेप नंबर वन, स्क्रिप्ट राइटिंग. गाइस, स्क्रिप्ट राइटिंग प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल ऑफ योर शॉर्ट फिल्म. बिकॉज अगर जब आप स्क्रिप्ट लिखते हो तो आपके दिमाग में ये सभी चीजें आपको सोचनी पड़ती है कि ये सभी चीजें अपने पास अवेलेबल है क्या. लाइक आपने एक सोच लिया कि एक VFX इफेक्ट डालूंगा, ये डालूंगा, बट आपके पास एक VFX आर्टिस्ट नहीं है तो फिर क्या करेंगे? तो फिर सभी चीजें ध्यान में रखते हुए आपको स्क्रिप्ट राइटिंग लिखनी है. ओके, स्टेप नंबर टू, फाइंडिंग द लोकेशन. गाइज, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, लोकेशन. लोकेशन ऐसा होना चाहिए जहाँ पर आपको बाकी जी के जो सराउंडिंग की जो चीज़ें उनसे दिक्कत नहीं होनी चाहिए. लाइक आप हॉस्पिटल में, हमने हॉस्पिटल में शूट किया, हमारी वजह से पेशेंट और अदर्स लोगों को दिक्कत नहीं होनी चाहिए. ये सब आपको चीज़ें ध्यान में रखनी होगी. सो फिर फाइंडिंग अ बेस्ट लोकेशन आपकी फिल्म को अच्छा बनाएगा. तो फिर लोकेशन इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट थिंग. तो फिर आपको बहुत सारी चीजों का कंसिडरेशन करना बहुत जरूरी है. लाइक सराउंडिंग के पीपल, लोग कैसे है, लाइटिंग कंडीशन, लाइट आ रही है क्या, अपने ऑब्जेक्ट के ऊपर लाइट आ रही है क्या. लाइक अभी हमारी जो शूटिंग थी वो हमने हॉस्पिटल में कम्प्लीट की. वहाँ पर मैंने सभी से इस तरह से बॉन्डिंग के लिए सबको भाऊ दादा कर करके मैंने सबसे अच्छी बॉन्डिंग बना ली थी. बाबा जी धन्यवाद. चोर के पीछे भागने वाला है GoPro लगा करके, पर चोर कहाँ ये रहा चोर. सर अभी मैं इसके पीछे भागूंगा, ऐसे भागूंगा, अभी देखो यार. भागो. स्टेप नंबर फोर, स्टेप नंबर फोर है डबिंग. डबिंग ये चीज मुझे, मतलब ये इसको एक प्रायोरिटाइज, मतलब एक अलग स्टेप माने ऐसा मुझे नहीं लगता, क्योंकि डबिंग आपको करनी है वो सिंपली एडिटिंग के टाइम पर भी आप कर सकते हैं. लाइक हम वॉइस ओवर कर दे भाई, जब मैं डबिंग के लिए गया तो फिर ये सीन थे कि वहां पर मेरे लिए तो सब कुछ नया था. सो अभी हम रिकॉर्डिंग स्टूडियो में भाई, पहली बार मैं ये सब चीजें इंस्ट्रूमेंट देख रहा, बहुत ही मेमोरेबल एक्सपीरियंस रहा है अभी तक का. और अभी हमारी रिकॉर्डिंग पूरी हो चुकी है, अभी हम जा रहे हैं फाइनल एडिटिंग करने के लिए. जाते हैं वहां पर, देखते हैं क्या क्या होता है. कमिंग टू द स्टेप नंबर 5, जो सबसे इम्पोर्टेंट है, एडिटिंग. ओके, एडिटिंग हमारा तो मयूर दादा है भाई, उन्होंने हमारी सब मूवी की एडिटिंग जस्ट महज 3 घंटों में पूरी एडिटिंग खत्म कर दी थी. तो फिर एडिटिंग स्किल आपके अंदर होना बहुत जरूरी है. और बस एडिटिंग करते समय आपको सभी चीजें कंसिडरेशन, लाइक बैकग्राउंड म्यूजिक, BGM म्यूजिक आप कौन सा यूज कर रहे हैं, उसके ऊपर नॉन कॉपीराइट म्यूजिक होना चाहिए, ये सभी चीजों का आपको कंसिडरेशन करना बहुत जरूरी होता है. एंड आप कट कौन से लगा रहे, आप व्यू कौन से डाल रहे, वो सभी चीजें जब आप एडिटिंग कर रहे वो सब आपको समझ में आती है. ओके, तो बहुत से मेरे दोस्त मुझे पूछते रहते भाई तू कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करता है एडिटिंग के लिए. सो फिर मैं यूज करता हूँ Adobe Premiere Pro CC. अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए एडिटिंग ट्यूटोरियल्स बनाऊँ तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा. तो फिर विद दैट गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो फिर लाइक सब्सक्राइब के साथ वो बेल आइकन दबा दीजिए यार, क्योंकि मैं जब भी वीडियो डालूंगा आपको नोटिफिकेशन आएगी. एंड बस मिलते हैं, और कुछ ऐसे वीडियो अगर मैं ऐसे बातें करता हूँ आपके साथ, ऐसे वीडियो आपको और चाहिए तो फिर कमेंट कीजिए. मिलते हैं बस. ओके, चेक कर लेता अभी मैं. अरे काय बोलूं.